सियासत की सारस उड़ान जारी है। अखिलेश ने तय कर लिया है कि वे इस मुद्दे को हाथ से जाने नहीं देंगे। वन विभाग की टीम ने अमेठी से सारस को जब्त कर कानपुर चिड़ियाघर के अस्पताल में क्वारंटीन कर रखा है। कहा जा रहा है कि आरिफ से बिछड़ने के बाद से सारस उदास है, वो जरूरी डाइट तक नहीं ले रहा। सारस की इस खबर को पहले अखिलेश ने ट्विटर पर शेयर किया, फिर सारस को देखने खुद कानपुर के चिड़ियाघर पहुंच गए। अखिलेश के साथ वो आरिफ भी था जिसके साथ सारस बेहद घुल मिल गया था और अमेठी में वो उसके साथ रहने लगा था। अखिलेश ने चिड़ियाघर के अस्पताल में रखे गए सारस को सीसीटीवी कैमरे की नजर से देखा। अखिलेश ने इसके बारे में हर जरूरी हालचाल लिया। अखिलेश ने इस मुलाकात के बाद कहा कि सारस अभी खाना खा रहा है और मैं इसे दोबारा देखने आऊंगा। अखिलेश ने कहा कि अब लगता है कि अफसरों से मिलना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि सरकार अब सारस का ध्यान दे रही है और सारस यहाँ पहुँच गया है तो आरिफ के केस वापस हों, जो इस जुर्माने की बात हो रही वो बात बंद हो। अगर कानून इस बात के लिए है कि सारस आरिफ के पास था तो कानून ये भी कहता है कि आप सारस को कैद नहीं कर सकते। तो अगर कानून से देश चलना है तो आपको दोनों पक्ष देखने पड़ेंगे। अखिलेश ने यह भी कहा कि आरिफ पर केस किया जाना सही नहीं, इसे वापस लेना चाहिए। पहले सारस की देखभाल करने वाले आरिफ ने कहा था कि सारस खुद उसके पास आता था, उसने उसे कैद करके नहीं रखा था। सारस को लेकर सियासत की ये रेस अब पुरानी हो चली है, लेकिन इसमें हर दिन नया अध्याय शामिल हो रहा है। इससे पहले सीएम योगी ने अखिलेश के सारस प्रेम पर चुभने वाला तंज किया था। मौन जीवों की बात तो दूर, मनुष्य के प्रति भी जिनकी संवेदना न हो वह सत्याग्रह भी नहीं कर सकते। सियासत की सारस वाली इस धारा को इसी बात से समझा जा सकता है कि अखिलेश हर दिन सारस को लेकर कोई ना कोई ट्वीट जरूर कर रहे हैं। बात सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं रही है, अब अखिलेश सारस से मिलने कानपुर के इस चिड़ियाघर तक पहुंच गए, जो ये बताने को काफी है कि इस मुद्दे का पीछा करना उन्हें कितना जरूरी लग रहा है। सरकार ऐसा निर्णय ले और वन विभाग के लोगों की सूझबूझ की मदद लेकर के जहां सबसे ज़्यादा सारस हैं वहां भेजे जाएं। मुझे याद है समाजवादी सरकार में सारस के लिए संरक्षण केंद्र बनाने के लिए पैसा दिया गया था, बजट की तैयारी की गई थी और इटावा में लाइन सफारी के आसपास या समान या सरसई नाबर लाग बहुसी इनके किनारे कहीं सारस का संरक्षण केंद्र बन जाए। अखिलेश यादव ने सारस का हाल चाल जानने के बाद चिड़ियाघर के अलग अलग बारों का भी दौरा किया, साथ में उनके समर्थक भी थे। साफ है कि सियासत में आक्रमण का सारस अंदाज अभी जारी रहने वाला है और बात अभी दूर तलक जाएगी।